दोस्तों, अगर आप भी एक मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो तो आपको अपने मोबाइल के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए कि आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो वो आपका मोबाइल जो है वो कहीं किसी ने हैक तो नहीं किया है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो हैक हुआ तो आपके मोबाइल में जो भी ऐप्स होंगे, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया या कोई भी अदर ऐप्स हो गया, वो आपकी सारी दूसरा बंदा जो है वो जिसने आपके मोबाइल को हैक किया होगा वो आपका सारा कुछ ही जो है वो देख रहा होगा। आपके मोबाइल का पूरा ही एक्सेस जो है वो उसके पास होगा। तो दोस्तों, आपको ये कैसे जान सकते हो कि आपका मोबाइल फोन जो है वो हैक है या नहीं है, आपके मोबाइल में कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन तो नहीं है जिससे आपके मोबाइल फोन को जो है वो खतरा है? अगर दोस्तों आप भी ये जानना चाहते हो और आप इसको ठीक करना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने गूगल को ओपन कर लें। जैसे दोस्तों आप गूगल को ओपन कर लोगे उसके बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बारे में आपने करना क्या है, उसके बारे में आपको ऊपर की तरफ जो है वो एक लोगो सा दिख रहा होगा, आपने सिंपली से वहां पर करना है क्लिक। जैसे दोस्तों आप वहां पर क्लिक कर दोगे उसके बारे में आपको यहां पर जो है वो आपकी आईडी दिखाई गई होगी और उसके नीचे ही लिखा होगा मैनेज योर गूगल अकाउंट। तो आपने वहां पर जो है वो मैनेज योर गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने। जैसे ही आप मैनेज योर गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे उसके बारे में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट करने के बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद में आपने करना क्या है, आपने जो है वो डाटा एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर दें। जैसे ही आप डाटा एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे उसके बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद में आपने करना क्या है, उसके बारे में आपने नीचे की तरफ जो है वो स्क्रोल डाउन करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा हु कैन सी योर डाटा, तो आपने जो है यहाँ पर क्लिक करके देखना है कि आपके यहाँ पर जो है वो कोई भी ऐसा पर्सन शो तो नहीं हो रहा, कोई भी ऐसा ऐप जो है वो शो तो नहीं हो रहा कि यहाँ पर जो है वो मेरा डाटा वो जो है वो देख रहा है। तो आपने यहाँ पर एक बार जरूर से चेक करना है कि आपका डाटा जो है वो कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। अगर यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ पर कोई भी जो है वो आपका डाटा देख रहा होगा तो आपने उसे जो है वो वहाँ से रिमूव कर देने। उसके बाद में आपने नीचे की तरफ को आना है। नीचे की तरफ को आने के बाद में दोस्तों आपने यहाँ पर जो है वो ये वाला जो है वो ऑप्शन में जरूर से चेक करना है कि आपके यहाँ पर जो है वो कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है वो आपके अकाउंट से जो है वो लिंक तो नहीं है, कनेक्ट तो नहीं है। तो आपने यहाँ पर जो है वो क्लिक करना है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर। उसके बाद में दोस्तों आपने यहाँ पर जो है वो एक बार जरूर से चेक करना है कि आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा ऐप शो तो नहीं हो रहा, कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन शो तो नहीं हो रही जो आपके अकाउंट के साथ जो है वो लिंक है। अगर दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन दिखती है दोस्तों उसको जो है वो आपने यहाँ से रिमूव कर देना है, डिलीट कर देना है, अपने अकाउंट से जो है वो अनलिंक कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे यहाँ पर जो है वो थर्ड पार्टी कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है वो लिंक नहीं है। अगर आपके यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लिंक हुई तो आपने उसे जो है वो अनलिंक कर देने हैं, डिलीट कर देने हैं। उसके बाद में दोस्तों आपने जो है वो बैक कर देना है। बैक करने के बाद में आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो सिक्योर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन को हैक होने से बचा सकते हो और कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हुई तो आप उसे डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो। दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपकी हमेशा ही ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं दोस्तों में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।